का स्वागत है। आइए देखते आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में राजकीय भूकंप, कौन से है नेता दल बदलो। वरोरा भद्रावती मतदान संघ के आमदार बाड़ू धानोरकर के शिवसेना पक्ष छोड़कर कांग्रेस पक्ष में दाखिल करने की चर्चा जोरों से चल रही है। चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए कांग्रेस की टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे ऐसे माना जाता है। इसी तरह से हाल ही में चर्चित स्मिता दिवंगत आर पाटिल इनकी लड़की ने मावर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़े ऐसी राष्ट्रवादी कांग्रेस इच्छा जाहिर की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष इन्होंने पार्थ पवार इलेक्शन में नहीं लड़ने ऐसी बात जाहिर करने के बाद स्मिता पाटिल इनका नाम सामने आया है। और इधर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर इन्होंने पत्र जाहिर करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संविधान के दायरे में लाने की बात कांग्रेस लिखित रूप में देती है तो हमारा पक्ष निर्वाचन के पूर्व या बाद उनके साथ युति कर सकता है। इसके लिए कांग्रेस के साथ महा आघाड़ी में जितने भी पक्ष शामिल है उनका इस बात पर सहयोग होना जरूरी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकार इन्होंने पत्र परिषद में कहा कि लोकसभा के लिए मेरे सामने सिर्फ दो ही जगह है। पहली बारामती में से मैं खुद लड़ना चाहता हूँ, तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं माड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए लड़ू। इसके चलते सेलिब्रिटी से भारतीय क्रिकेट की टीम से बहुचर्चित रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी भाजपा में प्रवेश करने की चर्चा जोरों से चल रही है। ऐसी राजकीय चर्चा कल रात गुजरात से मिली है। गुजरात राज्य के पूनम मदाम इनकी उपस्थिति में कल रविवार को रिवाबा जडेजा ने भाजपा में प्रवेश किया। तो देखते रहिए लोकसभा के निर्वाचन को लेकर आने वाले खबरें। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल।